अभी वो डैड लंच करें। शौकी चचा जी सर आप ही को भी बुला लीजिए। चलो आओ। अरे वाह क्या बात है भाई। हाँ खाना तो अच्छा लग रहा है ये। शौकी चचा जी सब वो पापी को लंच का कह दिया था। जी सब कह दिया है। वो कह रही है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगी। अच्छा ठीक है उनका लंच उनके रूम में ही दे दीजिए। जी सब। डैड थैंक यू। अच्छा डैड मैं सोच रही थी हम दोनों कल कहीं आउटिंग पे चलें। कल? यस कल जरा थोड़ा। डैड प्लीज 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 इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। देखिए डैड मैंने प्लीज भी बोला, अब आपको मेरी बात। अच्छा अच्छा बॉस ओके ओके फाइन। कल काम ड्रॉप करेंगे, कल हम घूमेंगे फिरेंगे और खूब मस्ती करेंगे। परफेक्ट। तब आप मेरी बात सुनते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन बहुत तेज हो गई हैं आप मैं बता रहा हूँ। अच्छा आपसे अभी भी कम हूँ मैं? जी नहीं आप मुझसे चार हाथ आगे हैं, चार हाथ आगे। जी बाप मैं आपका हूँ, लगता है आप मेरी माँ है। ना हो ना तो बस अब मदर्स की तरह मेरा एहतराम करना है। पिंकी प्रॉमिस करें। प्रॉमिस हस्ती रहा करो, खुश रहा करो। बहुत सूट करती है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल और तुम हस्ती और खुश होती हो ना तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाता है। और जब आप कंफर्ट करते हैं और मेरे साथ रहते हैं ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम तो हमेशा साथ रहेंगे तो फिर मैं हमेशा खुश रहूंगी।